हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन की रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन नारियल की चटनी और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं नारियल की टेस्टी चटनी बनाना। इसके लिए मैंने लिया है कच्चा नारियल। ये आप देख सकते हैं, कच्चे नारियल को मैंने इस तरीके से इसके पीस बना के रख लिए थे। आप छोटे छोटे पीस बना लीजिएगा, कद्दूकस चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये मैंने एक चना लिया है, चना दाल, इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। ये रोस्टेड भी मिल जाती है मार्केट में, अगर आप चाहे तो मार्केट से रोस्टेड चना दाल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने घर पे रोस्ट की हुई है। हरा धनिया, ये हरी मिर्च ली है मैंने चार। आप मिर्च अपने अनुसार कर सकते हैं, अगर आप तेज लेते हैं तेज कर सकते हैं, कम लेते हैं तो कम मिर्च डाल सकते हैं। ये मैंने एक नींबू का रस लिया है। नमक, ये टेम्परिंग के लिए यानी कि तड़के के लिए राई और कड़ी पत्ता, ये पानी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत स्वादिष्ट भी लगती है। ये इसको डाल देंगे सारा, इसमें ये चना दाल मिक्स करेंगे, ये हरा धनिया हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, ये लेमन जूस, नमक, ये हम टेम्परिंग के लिए रख देते हैं। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, पहले मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, पहले थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स में। इसको मैं चला लेती हूँ। तो देखिए अभी इसमें पानी और लगेगा। पानी बहुत ज्यादा भी ऐड मत करेगा क्योंकि जो नारियल की चटनी होती है बहुत ज्यादा पतली नहीं होती है, वो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ही होती है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी और ऐड करूंगी। बस अब इसको चला लेते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है। इसको हम वो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो ये मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखिए जो ये जो चटनी होती है नारियल की, ऑथेंटिक चटनी जो बनती है उसमें चना दाल जरूर होता है, क्योंकि बिना चना दाल के इसमें टेस्ट नहीं आता है। वो जो साउथ इंडियन चटनी बनती है, ऑथेंटिक साउथ इंडियन चटनी, तो इसमें चना दाल को जरूर ऐड करिएगा, उससे बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। ये मैं पूरा निकाल लेती हूँ उसमें अच्छे से, और इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। ये मैंने एक पैन में वो डाल लिया, ऑयल डाल लिया है 1 टेबल स्पून। अब इसमें मैं डालूंगी ये तड़के के लिए राई और कड़ी पत्ता। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, गैस थोड़ा सा हल्की करूंगी। तेल गरम हो चुका है तो पहले मैं इसमें डाल देती हूँ राई, मस्टर्ड सीड, गैस यहाँ पे कर दूंगी बंद क्योंकि तेल बहुत गर्म हो चुका है। और थोड़ा सा तेल ठंडा हो तो मैं डालू इसमें करी पत्ता। करी पत्ते और मस्टर्ड सीड्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साउथ इंडियन डिशेज में, और ये साउथ इंडियन फेमस चटनी है तो इसमें तो ये बहुत जरूरी है ऊपर से टेम्परिंग के लिए। तो इसको ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं तड़के में भी, लेकिन मैंने पहले हरी मिर्च पीस ली है तो मैं उसमें नहीं डालूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी लग रही है। इस चटनी को आप किसी भी साउथ इंडियन डिश जैसे कि डोसा, इडली, सांभर वड़ा के साथ ले सकते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी भी है ये चटनी काफी। तो आप इसको जरूर बनाइएगा घर पे और ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।